इन दिनों यूपी में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एक बार फिर से बीजेपी के साथ जाने को लेकर अटकलें तेज हैं। इस बीच उनके एक बयान ने इन्हें और हवा दे दी है। दरअसल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए राजभर ने अखिलेश यादव और मायावती पर जमकर निशाना साधा और तो और उन्हें पिछड़े और दलित का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। आपको बता दें कि यूपी में नगर निकाय चुनाव के बाद से अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच मीडिया में सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से गुपचुप मुलाकात की। खबर है कि आने वाले दिनों में सुभाषपा का बीजेपी से गठबंधन हो सकता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने अपने प्रभाव वाली सीटों का ब्यौरा भी तैयार कराया है। उत्तर प्रदेश में साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सुभाषपा को जिन सीटों पर 1 लाख और उससे ज्यादा वोट मिले उनका खाका तैयार कराया गया है। कहा जा रहा है कि इन्हीं सीटों के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से मोलभाव करेंगे। वैसे राजभर बीच बीच में 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता की बात भी करते रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद सपा से गठबंधन टूटने के बाद से उनका बीजेपी प्रेम जग जाहिर है। हाल ही में जब वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए तो उनकी और बीजेपी के फिर करीब आने की अटकलें तेज हो गई। पूछा जाने लगा कि राजभर फिर से बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में यूपी में कोई नया सियासी भूचाल आता है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।